हे गाइस, आप सबका स्वागत है फिर से हमारे इस चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्वेरा ऐप क्या होता है और क्वेरा से हम लोग कैसे पैसे कमा सके। और आपको अगर जानना है कि क्वेरा कैसे काम करता है, आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। और आपका कोई भी सवाल और सुझाव हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए और मैं आपका सारा का सारा डाउट सॉल्व कर दूंगा। आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे ये होगा कि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले आपको देखने को मौका मिलेगा। ज़्यादा देर ना करते हुए हमारे वीडियो की ओर बढ़ते हैं गाइस। तो गाइस, बात करते हैं क्वेरा क्या होता है। क्वेरा एक तरह का एक वेबसाइट है जो कि स्टार्टिंग में वेबसाइट ही था गाइस। वहाँ पे जाके लोग आके अपना क्वेश्चंस पूछते थे और आके आंसर भी दिया करते थे। कुछ लोग होते हैं कि जिन्हें क्वेश्चन करना अच्छा लगता है, मतलब लोगों को ये कुछ नए चीज़ों के बारे में जानना अच्छा लगता है, तो उनको अगर आंसर गूगल पे ना मिले तो वो लोग इस्तेमाल करते हैं क्वेरा। और क्वेरा में जाके वो लोग आके अपना क्वेश्चन वहाँ पे डाल देते हैं और जिस किसी को भी पता होगा कि उसका आंसर क्या है तो वहाँ पे जाके आंसर दे सकता है। और क्वेरा एक ट्रस्टेड वेबसाइट है गाइस। मतलब क्वेरा स्टार्टिंग में तो इतना फेमस नहीं था, लेकिन आजकल आप जानते हो कि क्वेरा का बहुत ही ज़्यादा क्रेज आ चुका है। और आखिर क्वेरा आजकल पैसे भी देता है गाइस, जो कोई भी क्वेश्चन या फिर आंसर करता है उन्हें भी देता है। मैं आगे जाके बात करूँगा इसके बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि क्वेरा क्या होता है। तो क्वेरा स्टार्टिंग में आप मैंने जैसे कि बताया कि वो एक वेबसाइट था, वो लोग आके अपने आप को कन्वर्ट कर लिए एप्लीकेशन में। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा उसका लिंक, आप जाके वहाँ से डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हो। तो अब बात रही कि क्वेरा में क्या खास बात है गाइस। क्वेरा में आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो गाइस, जो कोई भी आंसर आपको गूगल में नहीं मिलता वो आप पूछ सकते हो। और क्योंकि क्वेरा के अंदर बहुत सारे एक्टिव यूज़र्स है जो लोग आके आंसर्स देते हैं कोई भी क्वेश्चन का, तो आप आके अपना क्वेश्चन को शेयर कर सकते हो। कोई भी उसमें जाके कोई भी दूसरा पर्सन जाके ये आपका जो क्वेश्चन है उसे फॉलो कर सकता है। जब भी कभी आपको आंसर मिलेगा तो आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा और आके अपना आंसर देख सकते हो। वो किसी भी तरह के का हो सकता है। आप आके कहोगे कि कंप्यूटर रिलेटेड है तो सही है, कंप्यूटर रिलेटेड भी आपको मिल जाएगा। सारा दुनिया में मतलब जो कोई भी टॉपिक है आप आके उसके बारे में पूछे वो लोग आके आंसर ज़रूर देंगे। और किसी को भी आंसर पता होगा तो वो लोग शेयर ज़रूर करेगा। और बात रही कि इसमें पैसे कैसे कमाएंगे गाइस। इसमें ऐसे कमा सकते हो जैसे कि आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मतलब रिलेवेंट क्वेश्चन पूछते हो तो क्वेरा आके आपको अपने आप एक प्रोग्राम में ये फिक्स कर लेगा। मतलब वो आके आपको मॉनिटर करते रहेगा कि आपका बिहेवियर क्या चल रहा है, मतलब आके आप डेली एक्टिव हो या फिर नहीं हो, या फिर एक दिन छोड़ के दो दिन छोड़ के आप आते हो, तो उसके बेसिस पे ये लोग आके आपको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे डायरेक्टली आपको जाके मोनिटाइजेशन ऑन करने का कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। क्वेरा अपने आप आके आपको नोटिस करेगा और नोटिस करने के बाद आपके पास एक मेल सेंड होगा और आपको वहाँ पे जाके एक्टिवेट करना है। और बात रही कि क्वेरा कैसे पैसे देता है, तो ये डिपेंड होता है कि आपके ऊपर कि आपने आंसर कैसे दिया या फिर आपका क्वेश्चन क्या था। अगर आपका क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और रिलेवेंट है तो उसका प्राइस ज़रूर ज़्यादा होगा गाइस। हो सकता है कि $1 हो या फिर $2 हो। और मैं बता देना चाहता हूँ कि हर एक ये व्यू पे आपको पैसे मिलता है इसमें। ऐसा नहीं कि आपको लाखों मिलेगा, लेकिन मिल जाएगा गाइस, थोड़ा बहुत तो आपको पैसे मिल ही जाएगा। एक अच्छा शेयरिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको नॉलेज शेयर करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है। आप जो कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछ सकते नॉर्मल लोगों से तो आप आके वहाँ पे जाके क्वेश्चन का ये पूछ सकते हो, क्वेश्चन आके वहाँ से आप पूछ सकते हो और आके अपना नॉलेज को और बढ़ा सकते हो। अब बात रही कि क्वेरा कैसे काम करता है, तो गाइस बात रही कि क्वेरा में कैसे आप लोग आके काम कर सकते हो, मतलब क्वेरा का वर्किंग क्या है स्ट्रक्चर। तो इसमें ऐसा होता है कि आपके पास आके एक ये प्रोफाइल सेट करना पड़ता है आपको लॉगिन करके, जहाँ पे आपका सारा डिटेल्स मांगा जाएगा, जैसे कि आपका एजुकेशन, फिर आके आप कहाँ पे रहते हो सब कुछ, और थोड़े बहुत प्राइवेट डिटेल्स हो सकते हैं जैसे कि आपका ईमेल और मोबाइल नंबर, जो कि डिस्क्लोज नहीं होगा दूसरे लोगों के सामने। तो आप आके अपने आप को सेफ समझ के रख सकते हो। और आके इसमें एक खास बात है कि आप आके दूसरे लोगों को क्वेश्चन पूछ सकते हो और दूसरे लोग आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इसमें दोनों साइड से नॉलेज शेयरिंग हो रहा है गाइस। तो इस कारण से आप आके अगर गूगल में सर्च करते हो क्वेरा तो आपको सबसे पहला रिजल्ट आता है। और मैं बता देना चाहता हूँ कि जो कोई भी यहाँ पे वेबसाइट बनाने वाले
जो बैठे हैं वो लोगों को, कि इसमें से आपको डू फॉलो बैक लिंक भी मिल सकता है। आप अगर वहाँ पे आर्टिकल लिखते हो और आपका आर्टिकल अगर अच्छा है तो आप आके डू फॉलो बैक लिंक भी क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि आपको ये आर्टिकल लिखना पड़ेगा। आप चाहो तो इसमें आर्टिकल्स भी लिख सकते हो या फिर छोटा मोटा एंसर्स देके भी बन कर सकते हो, लेकिन रिलेवेंट होना चाहिए। इस लोगों को कोई ना कोई एक चीज़ देना चाहिए, मतलब इंपॉर्टेंस देना चाहिए वो क्वेश्चन में या फिर उस एंसर में होना चाहिए, तभी क्वेरा आपको अपना पार्टनर प्रोग्राम में शामिल करता है। पार्टनर प्रोग्राम का मतलब यही होता है कि मोनिटाइजेशन गाइस, मतलब आपको पैसे मिलने का चांसेस ज्यादा। बात करते कि क्वेरा के ऊपर आपको कैसे अकाउंट बनाते गाइस। क्वेरा एक बेसिकली एक एप्लीकेशन भी हो सकता है और एक वेबसाइट भी हो सकता है, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कहाँ पे जाके लॉग इन होते हो। आप अगर जाके लॉग इन होते हो क्वेरा के एप्लीकेशन में तो आपको गूगल गूगल के साथ आप आराम से साइन इन हो सकते हो, और फिर ये लोग कुछ आके आपको क्वेश्चन पूछेंगे जैसे कि आपका नाम, फिर आपका एड्रेस, एड्रेस तो नहीं पूछते लेकिन ईमेल एड्रेस जरूर पूछेगा, और फिर आके कंफर्मेशन के लिए एक ईमेल एड्रेस भेजा जाएगा। आप आके कंफर्म कर दोगे तो फिर आप आके आगे का प्रोसीजर पे जा सकते हो, जैसे कि आप कहाँ पे पढ़े हो, क्या पढ़ रहे हो, सब कुछ आपको डिटेल में फिल करना पड़ेगा। फिल करने के बाद आप रेडी हो जाओगे आंसर या फिर क्वेश्चन पूछने के लिए। सेम इसी तरह का वेबसाइट में भी होता है, वेबसाइट में भी सेम वही होता है, लेकिन आके मैं आपको रेकमेंड करता हूँ एप्लीकेशन गाइस, क्योंकि ऑन द गो आप आके एप्लीकेशन से क्वेश्चन भी पूछ सकते हो और आके आंसर भी दे सकते हो। और इसमें खास बात यह है कि माइक का ऑप्शन आ जाता है गाइस, अगर आप मोबाइल में यूज़ करते हो तो आपका क्वेश्चन जो कोई भी हो आप आके स्पेल, अगर आपको स्पेलिंग नहीं आता है तो आप आके वॉइस से भी यूज़ कर सकते हो। तो मेरा मानना यही है कि आप आके अगर पैसा ना कमाना चाहते हो तो भी आप आके स्क्वायरा एप्लीकेशन को यूज़ कीजिए, कुछ ना कुछ आपको नॉलेज ज़रूर मिलेगा। आप आके यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको किसके रिलेटेड क्वेश्चन या फिर आंसर देना पसंद है। फॉर एग्जांपल अगर आपको ब्लॉगिंग के रिलेटेड पसंद है तो आप आके ब्लॉगिंग का कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर वेब डिज़ाइनिंग का, तो इसमें आपको वेब डिज़ाइनिंग के ही क्वेश्चन या फिर आंसर सबको मिलेगा। आप जितना अच्छा क्वेश्चन पूछोगे उतने आपका जो वैल्यू होता है प्रोफाइल का वो इंक्रीज होता है गाइस। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने बात किया कि क्या है क्वेरा, क्वेरा में कैसे अकाउंट किया जा सकता है, मतलब बनाया जा सकता है, और क्वेरा से कैसे पैसे कमाए जा सकते हैं, इस वीडियो में हम लोगों ने जाना है। मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ तो नया सीखने को मिला ही होगा इस वीडियो में, और आपका कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, हम लोग आके डिस्कस कर सकते हैं कि क्या है वो प्रॉब्लम। और आप अगर इस चैनल पर नहीं हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा गाइस। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो गाइस, थैंक यू।